एफ़ ओ एस एस यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस वीडियो में हम जानेंगे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे चलिए देखते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी क्लासीफाइड एज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो एफ़ एक टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फ्री भी होते हैं और ओपन सोर्स भी होते हैं अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं फ्री सॉफ़्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चलिए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग है फ्री सॉफ्टवेयर इज़ अ मैटर ऑफ़ लिबर्टी नॉट प्राइस तो यहाँ पर जो फ्री है उसका मतलब कॉस्ट वाला फ्री नहीं है ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस ज़ीरो होगी तब वो फ्री है फ्री का मतलब है मैटर ऑफ़ लिबर्टी नॉट प्राइस आपको उस सॉफ़्टवेयर को यूज़ करने की कितनी फ्रीडम है उसको हम फ्री से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट प्रोवाइड्स फोर फ्रीडम्स जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं वो फोर फ्रीडम्स प्रोवाइड करते हैं टू रन स्टडी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज रिलीज इम्प्रूवमेंट्स टू पब्लिक रन यानी कि आप जहाँ चाहें जिस हार्डवेयर पर चाहें उसको एग्जीक्यूट कर पाए इतनी आपके पास फ्रीडम रहनी चाहिए आप उसको स्टडी कर सकते हैं हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और दूसरों को आगे दे सकते हैं और रिलीज़ दी इम्प्रूवमेंट टू पब्लिक उसमें कुछ चेंजेस करके उसका इम्प्रूव्ड वर्जन पब्लिक में रिलीज़ भी कर सकते हैं तो ये फोर फ्रीडम जो सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उसको हम फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें सोर्स कोड ओपन रहता है यानी कि उसकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग आपको मिल जाती है तो जो फ्री सॉफ्टवेयर होंगे वो ओपन सोर्स भी होना चाहिए नहीं तो आप उसमें चेंजेस कैसे कर पाएंगे या स्टडी उसको कैसे कर पाएंगे तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें सोर्स कोड आपके पास रहता है और जब वो फ्रीडम आपको प्रोवाइड करते हैं तब हम उसको फ्री सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं इसका मतलब है एनी वन इज फ्रीली लाइसेंस्ड टू यूज कॉपी स्टडी एंड चेंज द सॉफ्टवेयर इन एनी वे एंड द सोर्स कोड इज ओपनली शेयर्ड, सो दैट पीपल आर एनकरेज टू वॉल्टरली इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर तो एफ़ ओ एस एस सॉफ़्टवेयर की आप कॉपी कर सकते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और उसको पब्लिकली रिलीज़ भी कर सकते हैं और चूंकि ये ओपन सोर्स भी होता है इसलिए आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल रहता है तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको ये चार फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसको रन कर सकें स्टडी कर सकें रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकें एंड रिलीज टू रिलीज इम्प्रूवमेंट टू पब्लिक आप पब्लिक में उसको रिलीज़ भी कर सकें तो उनको हम एफ ओ एस एस सॉफ्टवेयर बोलते हैं एफ ओ एस एस सॉफ्टवेयर को हम एफ एल ओ एस एस भी बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है फ्री लिबरे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री लिबरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर ये लिबरे स्पेनिश वर्ड है और ये लिबरे भी एक पुर्तगीज़ वर्ड है दोनों का ही मतलब फ्रीडम होता है तो एफ़ ओ एस एस को हम एफ एल ओ एस एस भी बोलते हैं अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो एफ़ ओ एस एस हैं यानि कि फ्री हैं एंड ओपन सोर्स हैं तो लिनक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एफ ओ एस एस सॉफ्टवेयर है यानि कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आप चाहें तो लिनक्स का सोर्स कोड इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं उसमें कुछ चेंजेस करके उसको आगे भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके बाद अपाचे वेब सर्वर है एक उसका भी सोर्स कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कैम स्टूडियो जो कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है नेटबींस जो कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हैं वो भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस ये दो आ, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तरह ही काम करते हैं जिसमें आप वर्ड फाइल एक्सेल फाइल और भी अदर फाइल्स पर काम कर सकते हैं लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर नहीं है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये फ्रीली अवेलेबल हैं प्लस इनका सोर्स कोड भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा इसके बाद डॉट्स बॉक्स फायरफॉक्स जो मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है वो भी ओपन सोर्स है इस तरह कई अदर सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं आप उनको विकीपीडिया पर जाकर सर्च कर सकते हैं ये लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो आई होप आपको एफ सॉफ्टवेयर समझ आए होंगे और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू